के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, दिन पे दिन शहर हैदराबाद में लैंड ग्रैबर जहां कहीं भी ज़मीन दिखी वहां पर कब्जा करने के लिए तैयार होते जा रहे हैं। उसी तरह से बालापुर मंडल सर्वे नंबर 69 पर एफटीएल लैंड पर नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक जलपल्ली तालाब पिद्दा चेरू के बिल्कुल सामने आरआर मसाले फैक्ट्री के बिल्कुल सामने जहां पर खुली तालाब है वहां पर दिन पे दिन मट्टी डालकर तालाब को बंद किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुकामी रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों खामोश है। इस मामले में मुकामी लोगों ने दरख्वास्तें देने के बाद भी वहां की रेवेन्यू डिपार्टमेंट खामोश है। ऐसी क्या वजह होंगी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट खामोश होना पड़ रहा है? लैंड ग्रैबर्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल्स का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट लैंड ग्रैबरों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सपोर्ट है, जिसकी वजह से जहां कहीं भी सरकारी ज़मीन दिखी वहां सबसे पहले लैंड ग्रैबर ज़मीन को कब्ज़ा कर लेते हैं। लैंड ग्रैबर को सबसे बड़ा सपोर्ट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। इस मामले में आवाम का कहना यह है, बहरहाल जो कुछ भी हो, जो ज़मीन कब्ज़ा हो रही है, रंगारेड्डी कलेक्टर और बालापुर मंडल को म्यूनसिपल को फौरी चाहिए कि वहाँ पर जाकर जो लोग भी लैंड ग्रैबर है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें और उन्हें पकड़कर सख्त से कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि हुकूमत की सरकारी ज़मीन की हिफाजत करना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, मगर चंद रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ही मिलकर लैंड ग्रैबरों के साथ एफटीएल की लैंड को तालाब को मूस कर बेचने में साथ दे रहे, ऐसे भी इल्ज़ाम सुनने में आ रहे हैं। अब चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ की सरकारी ज़मीन बचाए, ताकि जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी कमिश्नर को चाहिए कि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या जेएचएमसी डिपार्टमेंट है और पुलिस है, ऐसे लैंड ग्रैबरों के खिलाफ सख्ती से पेश आए और कानूनी कार्रवाई करे, चाहे वो कोई भी रहो। मगर सुनने में ये आ रहा है, ख़ास करके इस मामले में लैंड ग्रैबरों के साथ चंद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल है। बहरहाल इस चीज़ का खुलासा बहुत जल्द टीवी 11 आपके सामने करेगा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की खास रिपोर्ट। नाजरीन, हमारे इस टीवी 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। नाजरीन, ये था आज का टीवी 11 का उर्दू खबरनामा। उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज़ के लिए देखते रहिए टीवी 11 न्यूज़।